कार सवार नौजवान अते पुलिस मुलाजम आपस च होए गुत्थम गुत्थी। वीडियो सोशल मीडिया ते अग वांग हो रही वायरल। इश्तिहार लगान नूं लैके पक्खिया विवाद। जिरकपुर दे छत लाइट पॉइंट ते बैरीगेट्स उपर फ्लैक्स लगाउण पहुंचे एक व्यक्ति अते पुलिस मुलाजम आपस दे विच गुत्थम गुत्थी हो गई अते इह वीडियो लगातार सोशल मीडिया ते अग वांग वायरल हो रही है। फिलहाल व्यक्ति ने पुलिस हेल्पलाइन 112 नंबर ते शिकायत दर्ज करवा दिती है। जानकारी मुताबिक सचिन बत्रा वासी VIP रोड ने दस्या कि उसने ADGP पंजाब AS राय नाल मुलाकात करके ट्रैफिक जागरूकता मुहिम तहत पूरे पंजाब च सड़कां अते बैरीगेट्स ते पुलिस दे स्लोगन अते रिफ्लेक्टर लाउण दी मुहिम शुरू कीती सी। इस दौरान जिरकपुर लाइट पॉइंट ते जदों उसने इस मुहिम दी शुरुआत कीती तां ट्रैफिक पुलिस मुलाजम ने उसनू रोक लिया तां उसने ADGP वल्लों दित्ती चिट्ठी दिखा दित्ती। ट्रैफिक मुलाजम दी तसल्ली ना होई तां उसने उच्च अधिकारी नाल गल करवाउणी चाही पर किसी कारण उच्च अधिकारी ने नौजवान का फोन नहीं चुकिया। इस तो बाद ट्रैफिक पुलिस मुलाजम ने उसते झूठ बोलन का दोष लगाया। पीड़ित सचिन बत्रा ने दोष लगाया कि ट्रैफिक पुलिस मुलाजम ने उसनु कहा कि जेकर फ्लैक्स लगानी है तो उसनु 25,000 रुपये महीने देने पैणगे। इस तो मना करन ते पुलिस मुलाजम ने सचिन नु गालां कढ़ियां अते कुटमार करनी शुरू कर दी जिसकी कि वीडियो लगातार सोशल मीडिया से वायरल हो रही है जिस दे विच कि एक चिट्टे कुर्ते पजामे वाला नौजवान पुलिस मुलाजमा दे नाल उलझदा होया नज़र आ रहा। सो इश्तिहार लगान नूं लैके यह मामला पूरी तरह दे नाल गरमा जांदा है अते यह वीडियो सचिन दे नाल वाले साथी दे वल्लों बना ली जाती है जो कि सोशल मीडिया से खूब वायरल हो रही है। सो इस मामले संबंधी सीनियर अधिकारियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस मुलाजम बलविंदर सिंह नूं सस्पेंड किया गया। सो अगे गलबात करदे आं सीनियर अधिकारी ने होर की कुछ कहा तुसी भी सुनो। पुरना वाला भी जिहड़ा पार्ट है ओह भी वेखिया जाऊगा भी ओह किस अथॉरिटी नाल उत्थे पुलिस नूं एवें धमका रहे सी। मेरा पर्सनली मेरे ध्यान च हैगा भी ओह एवें दे कुछ पहलां प्रैक्टिस करदा ओह। सर हुण कोई कारवाई कीती है? हां उहनां दे खिलाफ पत्र दर्ज है। एवन मीडिया ले जिरकपुर तो जतिंदर पाल सिंह कलेर दी खास रिपोर्ट। कार सवार नौजवान अते पुलिस मुलाजम आपस च होए गुत्थम गुत्थी। वीडियो सोशल मीडिया ते अग वांग हो रही वायरल। इश्तिहार लगान नूं लैके पक्खिया विवाद। जिरकपुर दे छत लाइट पॉइंट ते बैरीगेट्स उपर फ्लैक्स लगाउण पहुंचे एक व्यक्ति अते पुलिस मुलाजम आपस दे विच गुत्थम गुत्थी हो गई अते इह वीडियो लगातार सोशल मीडिया ते अग वांग वायरल हो रही है। फिलहाल व्यक्ति ने पुलिस हेल्पलाइन 112 नंबर ते शिकायत दर्ज करवा दिती है। जानकारी मुताबिक सचिन बत्रा वासी VIP रोड ने दस्या कि उसने ADGP पंजाब AS राय नाल मुलाकात करके ट्रैफिक जागरूकता मुहिम तहत पूरे पंजाब च सड़कां अते बैरीगेट्स ते पुलिस दे स्लोगन अते रिफ्लैक्टर लाउण दी मुहिम शुरू कीती सी। इस दौरान जिरकपुर लाइट पॉइंट ते जदों उसने इस मुहिम दी शुरुआत कीती तां ट्रैफिक पुलिस मुलाजम ने उसनू रोक लिया तां उसने ADGP वल्लों दित्ती चिट्ठी दिखा दित्ती। ट्रैफिक मुलाजम दी तसल्ली ना होई तां उसने उच्च अधिकारी नाल गल करवाउणी चाही पर किसी कारण उच्च अधिकारी ने नौजवान का फोन नहीं चुकिया। इस तो बाद ट्रैफिक पुलिस मुलाजम ने उसते झूठ बोलन का दोष लगाया।
पीड़ित सचिन बत्रा ने दोष लगाया कि ट्रैफिक पुलिस मुलाजम ने उसनु कहा कि जेकर फ्लैक्स लगाउणी है तो उसनु 25,000 रुपए महीने देने पैणगे। इस तो मना करन ते पुलिस मुलाजम ने सचिन नु गालां कढ़ियां अते कुटमार करनी शुरू कर दिती, जिसकी कि वीडियो लगातार सोशल मीडिया से वायरल हो रही है, जिस दे विच कि एक चिट्टे कुर्ते पजामे वाला नौजवान पुलिस मुलाजमा दे नाल उलझदा होया नजर आ रहा। सो इश्तिहार लगाने लैके यह मामला पूरी तरह दे नाल गरमा जाता है अते यह वीडियो सचिन दे नाल वाले साथी दे वल्लों बना ली जाती है, जो कि सोशल मीडिया से खूब वायरल हो रही है। सो इस मामले संबंधी सीनियर अधिकारियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस मुलाजम बलविंदर सिंह नू सस्पेंड किया गया। सो अगे गलबात करदे आ सीनियर अधिकारी ने होर की कुछ कहा, तुसी भी सुनो। पुरना वाला भी जेड़ा पार्ट है वो भी देखे लोगे भी उनके इस अथॉरिटी नाल उत्थे पुलिस नू एवें धमका रहे सी। मेरा पर्सनली मेरे ध्यान च हैगा भी वो एवें दे कुछ पहला प्रैक्टिसन करदा है। सर हुण कोई कारवाई कीती है? हां उहनां दे खिलाफ पत्ता दर्ज है। एवन मीडिया ले जीरकपुर तो जतिंदर पाल सिंह कलेर दी खास रिपोर्ट।